समाजवादी पार्टी के पितामह मुलायम सिंह यादव अचानक से रविवार की शाम को उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब उन्हें गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराए जाने की खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव नाजुक हालत में आईसीयू में भर्ती हैं। मुलायम सिंह यादव का ऑक्सीजन लेवल रविवार को कम हो गया था, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक अब ऑक्सीजन लेवल फिर से मेंटेन हो गया है। इसके अलावा बीपी की समस्या भी थी, तब बीपी बढ़ा हुआ था, उसे भी डॉक्टरों ने मेंटेन कर लिया है। कल शाम तक ही अखिलेश और शिवपाल सहित उनके परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंच गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी तक ने मुलायम सिंह यादव का हालचाल लिया, लेकिन उनकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई और मेडिकल अपडेट्स में कौन सी बड़ी बातें हैं, ये जानना अहम है। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर नरेश त्रेहान खुद मुलायम सिंह यादव के हेल्थ अपडेट्स ले रहे हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार है, पर फिर भी डॉक्टरों ने उनके लिए अगले 24 घंटे अहम बताए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अखिलेश यादव से बात कर मुलायम सिंह का हालचाल जाना है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश से बात की और ट्विटर पर इस बात की जानकारी भी दी। प्रियंका गांधी ने भी मुलायम के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल मुलायम सिंह यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। उन्हें एक महीने पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने और ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रिहन और सुशील कटारिया की देखरेख में इलाज हो रहा है। उनकी डायलिसिस भी हुई है। डॉक्टर लगातार मुलायम के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अचानक बिगड़ गई है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मेदांता के आईसीयू में भर्ती किया गया है। फिलहाल वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। खबर सुनकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा समाजवादी कुनबा दिल्ली पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुलायम सिंह के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया।